नगर पंचायत भोटा में भोटा बाजार मंडल ने चीनी सामान का बहिष्कार किया, जिसके संदर्भ में आक्रोश रैली निकाली और चीन के विरोध में रैली निकाली और नारे भी लगाए गए। गलवान घाटी पर चीन भारत की झड़प में शहीद हुए अंकुश ठाकुर को सम्मान दिया गया और अंकुश ठाकुर अमर रहे इसके नारे भी लगाए गए और भविष्य में चीन के सामान का त्याग करने का प्रण लिया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रधान सनी शर्मा तथा अन्य व्यापारियों ने हिस्सा लिया। भोटा बस स्टैंड से लेकर भोटा पुलिस सहायता कक्ष तक रैली निकाली गई। व्यापारियों में पंकज वर्मा, कमल दुग्गल, शिव खन्ना, देशराज शर्मा, अश्विनी सोनी, स्लोकम दीपक चौहान, पंकज भारती आदि मौजूद रहे। जो पिछले कल 58 एफ बंद किए हैं वो देशित में है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है कि इन ऐपों को बंद करें और चीनी माल का बहिष्कार करें। लेकिन जो सामान वो खरीद चुके हैं कृपया उनको ना तोड़ें, वो अपना ही नुकसान है। लेकिन आइंदा के लिए ध्यान रखें कि जो भी चीनी चीन का बना हुआ माल है उसको ना खरीदें और ना ही उसका प्रयोग करें। आज जो भोटा बाजार में रैली निकाली गई चाइना के सामान के बहिष्कार के लिए, क्योंकि चाइना का आजकल कार्ड है, हमारे से पैसे कमाता है दुकानदारी में और हमारे ही ऊपर लड़ने के लिए खर्च करता है। इसके सभी लोगों से आह्वान है कि चाइना के सामान का बायकॉट करें। महान है हमारी आर्मी और ये जो चाइना का सामान बिकता है जगह जगह और चाइना का ज़्यादा माल बेचे, इसको बाहर निकालो और चाइना वालों को यहाँ से मतलब बाहर दूर भगाओ और इस सामान का बहिष्कार करते हैं। और जो भी हमारी फौज है और ये जो अंकुश कुमार ठाकुर फौज के दौरान मारे गए, इनको भी सलाम करते हैं हम सारे भोटा बाजार की तरफ से। धन्यवाद। विश्वासघात किया है उसके रोष स्वरूप भारतीय जनमानस में रोष कदम पहुँचाने के लिए चीनी सामान का बायकॉट करने के लिए, जिससे भारत जो है वो अपना सामान निर्माण करे और आत्मनिर्भर बने, उसके लिए आज भोटा बाजार में व्यापार मंडल और अन्य यूथ जो यूथ है युवा वर्ग है उसने एक सामूहिक रैली निकाली है, जिसमें लोगों को आह्वान किया गया कि चीन को सबक सिखाने के लिए जहां हमारी आर्मी उनके गर्दन तक तोड़ रही है, अब उसको आर्थिक आधार पर उसकी गर्दन तोड़ने के लिए जो है वो चाइनीज सामान का जो है वो बहिष्कार किया जाए, जिससे उसको जो है वो आर्थिक रूप से काफ़ी हानि पहुंचे और भारत जो है विकल्प के रूप में अपना निर्माण गतिविधि को जो है वो तेज करे, जिससे भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनने की जो उसका एक मुहिम है उसको पूरा कर सके।